एक गांव में द्रोण नाम का ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर उसकी जीविका चलती थी। सर्दी गर्मी रोकने के लिए उसके पास पर्याप्त वस्त्र भी नहीं थे। एक बार किसी यजमान ने ब्राह्मण पर दया करके उसे बैलों की जोड़ी दे दी। ब्राह्मण ने उनका भरण पोषण बड़े यत्न से किया। आसपास से घी तेल अनाज मांगकर भी उन बैलों को भरपेट खिलाता रहा। इससे दोनों बैल खूब मोटे ताजे हो गए। उन्हें देखकर एक चोर के मन में लालच आ गया। उसने चोरी करके दोनों बैलों को भगा ले जाने का निश्चय कर लिया। इस निश्चय के साथ जब वह अपने गांव से चला तो रास्ते में उसे लंबे लंबे दांतों, लाल आंखों, सूखे बालों और उभरी हुई नाक वाला एक भयंकर आदमी मिला। उसे देखकर चोर ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? उस भयंकर आकृति वाले आदमी ने कहा, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। पास वाले ब्राह्मण के घर से बैलों की जोड़ी चुराने जा रहा हूँ। राक्षस ने कहा, मित्र पिछले 6 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया। चलो आज उस ब्राह्मण को मारकर ही भूख मिटाऊंगा। हम दोनों एक ही मार्ग के यात्री हैं, चलो साथ साथ चले। शाम को दोनों छिप कर ब्राह्मण के घर में घुस गए। ब्राह्मण के शय्याशायी होने के बाद राक्षस जब उसे खाने के लिए आगे बढ़ने लगा तो चोर ने कहा, मित्र यह बात न्यायक अनुकूल नहीं है। पहले मैं बैलों की जोड़ी चुरा लूं, तब तुम अपना काम करना। राक्षस ने कहा, कभी बैलों को चुराते हुए खटका हो गया और ब्राह्मण जाग पड़ा तो अनर्थ हो जाएगा, मैं भूखा ही रह जाऊंगा। इसलिए पहले मुझे ब्राह्मण को खा लेने दे, बाद में तुम चोरी कर लेना। चोर ने उत्तर दिया, ब्राह्मण की हत्या करते हुए यदि ब्राह्मण बच गया और जाकर उसने रखवाली शुरू कर दी तो मैं चोरी नहीं कर सकूंगा, इसलिए पहले मुझे अपना काम कर लेने दे। दोनों ने इस तरह की कहा सुनी हो ही रही थी कि शोर सुनकर ब्राह्मण जाग उठा। उसे जागा हुआ देख चोर ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण यह राक्षस तेरी जान लेने लगा था, मैंने इसके हाथ से तेरी रक्षा कर दी। राक्षस बोला, ब्राह्मण यह चोर तेरे बैलों को चुराने आया था, मैंने तुझे बचा लिया। इस बातचीत में ब्राह्मण सावधान हो गया और उठकर लाठी उठाकर वहां से अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गया। ब्राह्मण को तैयार देख दोनों भाग गए। इससे हमें शिक्षा मिलती है, शत्रु का शत्रु मित्र होता है।